यूनिफॉर्म की गरिमा इतनी ही है क्या कि आप यूनिफॉर्म में रहते हुए एक सिविल यूनिफॉर्म का कोई बंदा था, मैं मान रही हूँ कि वो आर्मी का जवान था, आपको नहीं पता था, आप यूनिफॉर्म में थे, आप यूनिफॉर्म में आपको खाकी वर्दी इसीलिए मिली थी कि आप थप्पड़ मारने लगे, यूनिफॉर्म की भी तो गरिमा। मैम वो जो सेना के जवान है वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि मैं आर्मी का जवान हूँ, उनके जो परिजन थे वो बोल रहे थे कि ये आर्मी का जवान है, फिर भी वो पुलिस वाले कुछ नहीं सुन रहे थे, सिर्फ और सिर्फ उनको पकड़ के रोड पे घसीटते हुए लेके जा रहे थे। अब बताइए बिहार में जब इस तरीके से होगा अब सेना के जवानों के साथ, तो क्या आम जन इसमें सुरक्षित महसूस कर पाएगी? देखिए खाकी वर्दी पहनने का मतलब है कि आप लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखते हैं। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल तो हो सकता है कि जो लोग खाकी वर्दी पहने हैं वो लॉ एंड ऑर्डर को चूरन बनाकर खाक के पी जा रहे हैं। आप समझिए कि लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था करने का काम पुलिस का है, और पुलिस को ये पता है कि हाथ उठाने का अधिकार तो उसे संविधान में भी नहीं मिला है, तो किस अधिकारों के तहत वो हाथ उठाई? वो बोल रही थी कि माँ की गाली माँ की गाली माँ की गाली, तो ये कहाँ नहीं है कि पुलिस वाले गाली नहीं देते? अरे भैया रुक जाइए, कहे वैसे पुलिस वालों को क्या कहिएगा जो वर्दी लोग उनको वर्दी वाले गुंडा कह रहे हैं, वैसे पुलिस वालों को क्या कहिएगा जो सरेआम, ये कोई नई घटना नहीं है, बिहार में आए दिन ऐसी घटना होती है। अब बताइए क्या पुलिस वालों का काम यही रह गया है? देखिए आप सभी को अपने हिस्से की आवाज खुद ही उठानी पड़ेगी। आप समझिए कि ये खाकी वर्दी के जो जितने भी लोग हैं उनकी तनख्वाह आपके टैक्स के पैसे से जाती है। सिर्फ आर्मी की बात नहीं है, एक आम जनता की बात है कि ये खाकी वर्दी के लोग जिनको जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर संभालने की, वो खाकी वर्दी में रहते हुए भी हाथ उठा दे रहे हैं। बिहार के अब तक का बिहार से अब तक कोई भी बड़ा राजनेता यहाँ पे नहीं आया, क्या ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ मीडिया वालों की है? देखिए आपको पता है कि देश का जवान जो होता है वो किस परिवार से आता है। अमूमन जितने भी जवान हुए हैं या है हमारे देश में वो हमेशा गरीब तबके के लोग ही होते हैं। ये लोग चुनाव के समय भले आवाज़ उठाते हो और कहते हो कि हम जनता के साथ हैं, लेकिन अभी नहीं आने का मतलब ये है, ऐसा तो नहीं है कि विधायक जी बहुत दूर रहते होंगे, जब हम लोग गोरखपुर से चल के आ सकते हैं तो इनको बगल से आने में क्या समय लगता है। लेकिन पता है वो लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा अभिनेता नहीं आया हुआ है जिसको ये लगता हो। अब आपको पता है आर्मी की इज्जत हमारे दिल में बहुत है, हम सब नागरिकों के दिल में बहुत है, लेकिन अभी यहाँ पे कोई अभी अभिनेता आया होता, बड़ा स्टार आया होता, तो तब भले नेता लोग उसकी सिक्योरिटी में और उसको माला पहनाने भले पहुंच जाते। कहीं ना कहीं देश के जवान रियल हीरो होते हैं, मैं रियल हीरो छोड़ना था, लेकिन आज 11 समय हो गया, 11 बज चुका है, लेकिन अभी तक जेल से नहीं निकले राधा मोहन जी, क्या करना चाहिए? अरे छूट जाएंगे, पक्का छूट जाएंगे, आप लोग हैं साथ में ना, और जनता की आवाज कभी दबी नहीं है, और आज नहीं छूटेंगे। तो आप समझिए कि पूरे भारत को एक मैसेज जा रहा है कि जो गरीब तबका है उसको दबाने की एक कोशिश है। आप समझिए कि मतलब देश के जवान जो अपने फैमिली के साथ है पेपर देने जा रहे हैं। आपको पता है कि जैसे राइट टू एजुकेशन है, वैसे किसी के पास अगर एडमिट कार्ड है तो उसको पेपर देने से रोका नहीं जा सकता है। तो आखिर उन परिवार को पेपर देने जाने से कैसे रोका? क्या मैडम आप मुजफ्फरपुर से इतना दूर से चल के आई है, गोरखपुर से, क्या वो छूट पाएगी, छूट पाएंगे कि नहीं? छूट जाएंगे, पक्का छूट जाएंगे, हम सभी लोग तांत्रिक देश में रहने वाले लोग हैं। मैम लेट क्यों हो रहा है अभी तक? लेट हो रहा है यार, ऐसा क्यों होता है आर्मी जवानों के साथ? आप बताइए, कभी कभी गोली मार दिया जाता है, कभी कुछ करवा दिया जा रहा है, और फिर सिंपल से उनको जेल रख दिया गया है, क्यों बिना वजह? बिहार पुलिस आखिर मनमानी तक क्यों करती है बिहार में? देखिए बिहार स्टेट का अपेक्षा, देखिए सिर्फ बिहार पुलिस नहीं, तमाम प्रशासन का ये काम होता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को बढ़िया करे। अगर वो लोग खुद ही लॉ एंड ऑर्डर को चूरन बनाकर खाएंगे तो फिर हम पत्रकार लोग हैं आवाज उठाने के लिए, हम पूछेंगे कि जब आपकी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया करने की तो आप लॉ एंड ऑर्डर का चूरन क्यों बना रहे हैं? खाकी वर्दी में होकर अगर किसी के ऊपर भी हाथ उठाया गया, आर्मी के जवान को अगर साइड में किया जाए, एक आम इंसान पर हाथ नहीं उठा सकते, वो तो आर्मी का जवान था जो बोल रहा था वीडियो में कि हम देश की सेवा के लिए नियुक्त हुए। अगर आप समझिए कि आज वो थे तब उनके साथ ऐसा हुआ है, कल वो बॉर्डर पर रहेंगे, उनके परिवार के साथ क्या कर दिया जाएगा? आज वो थे उनके साथ तो वो महिलाओं का आरोप है कि वहाँ के लोग उनके साथ बदतमीजी करते नजर आ रहे थे। अगर वो बॉर्डर पर होते तो क्या होता, ये सोचने की बात है ना। आर्मी वाले थे, अगर वहीं पे कोई गुंडा होता तो कल रात को ही छूट गया रहता, लेकिन आर्मी वाले उनको आज इतना लेट हो गया है, अभी तक छोड़े नहीं गए। कह रहे हैं वो लोग, कह रहे हैं कि गाली सिर्फ हमारी तरफ से नहीं उनकी तरफ से भी आया था,
तो गाली गलौज गलत है, इसकी पक्षधर नहीं हूँ मैं। उनके लिए जेल में डाल दिया जाएगा, वही तो, गाली गलौज गलत है, इसकी पक्षधर नहीं हूँ मैं। पर एक बात तो कहना है कि आप यूनिफॉर्म में थे, आपको हाथ उठाने का अधिकार कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन दिया ये बताइए। मैम कौन से आर्टिकल, कौन से अनुच्छेद में आपको अधिकार मिला कि आप यूनिफॉर्म में हाथ उठा दिए? दीदी दीदी क्या होता है कि देश में आतंकवादियों के लिए 12 बजे रात को कोर्ट खुल जाता है, लेकिन एक देश के सैनिक के लिए आखिर कोर्ट क्यों नहीं खुला 12 बजे? ये दुविधा की बात है और इस पर सर माननी चाहिए तमाम हमारे देश के जो प्रशासनिक लोग हैं उनको, कि इतने दिन से परिवार लगातार बैठा हुआ है, एक दिन की बात नहीं है, एक दिन का आक्रोश नहीं है जो इतने लोग लगातार खड़े हैं, आप समझिए 4-5 दिन होने जा रहा है, ये मजाक नहीं। तो और क्या है कि एक बार आप थप्पड़ खुद ही मारते हैं, FIR भी दर्ज नहीं हो रहा उस परिवार का, थप्पड़ खुद ही मारते हैं और खुद ही पुलिस मीडिया वाले को भी धमकी दे रहे हैं पुलिस वाले। देखिए ये गिन लीजिए कितना फोन है, एक लोगों को धमकी देने से कुछ होने जाने वाला नहीं। हम लोग देखिए एक लोकतांत्रिक देश में बोलने का अधिकार सभी के पास है, एक आम इंसान के पास है और जिनके पास माइक, जो लोग पत्रकार है उनके पास भी है। तो पत्रकारों की आवाज़ दबा लेंगे तो कितने लोगों की आवाज़ दबा पाएंगे? बिहार, सिर्फ बिहार के लोग आर्मी से प्रेम नहीं करते, पूरे भारत के लोग करते हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है जिस तरीके से थप्पड़ मारते हुए गाली दिया जा रहा है, ये वीडियो में साफ दिख रहा है। और शर्म की बात ये थी कि वो लोग यूनिफॉर्म में थे, यूनिफॉर्म में होने के बावजूद, खाकी कपड़ा पहनने के बावजूद, जो ये कहते हैं कि संविधान की रक्षा करने का काम हमारा है, जो ये कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बचाने का काम मेरा है, वो लोग खुद ही लॉ एंड ऑर्डर को मतलब इसकी बेइज्जती कर रहे हैं, धजिया उड़ा रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि सब तक ये बात पहुंची नहीं है, जिन लोगों तक ये बात पहुंची उनको साफ समझ में आ रहा है कि गलती किसकी और किसकी नहीं। एकदम छूट जाएंगे इसमें कोई मैम, यूपी से आ जाते हैं आर्मी के जवान को इंसाफ दिलाने, लेकिन यहाँ पे बैठे सत्ताधारी एक पोस्ट तक नहीं डाले। स्थानीय लोग आते नहीं है, चुनाव नहीं है ना भैया, चुनाव नहीं है। बिहार की पुलिसों के लिए क्या करना चाहेंगे जिस तरह गुंडागर्दी दिखाया जा रहा है आर्मी वालों के साथ? मैम आम समाज के लोगों के साथ कैसा होगा इसका? बिहार के पुलिसों से नहीं कहना है, मुझे तमाम प्रशासनिक लोगों से कहना है कि साहब आप लोग जो अपनी ड्यूटी यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया करने का काम जो कह रहे हैं, वो आपको राइट जो मिल रहा है वो आर्मी की वजह से ही मिल रहा है। अगर वो देश की रक्षा नहीं कर पाते ना वहाँ पे, तो यहाँ पर आकर आप लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया नहीं कर पाते, ठीक है? तो जितनी रिस्पेक्ट हम प्रशासन के लोगों का करते हैं उतना ही हम आर्मी के लोगों का भी करते हैं।